नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूं, जो कि ICAR सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो पोस्ट का नाम है वो है यंग प्रोफेशनल वन, एंड साथ ही जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट होने वाला है वो वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है। मतलब आपको एक डेट दी जाएगी, आपको एक एड्रेस दी जाएगी, आपको उस एड्रेस पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। एंड साथ ही गाइज, मैं आपको यहाँ बता दूं, इसके लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, और वो जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास बैचलर्स इन साइंस एग्रीकल्चर में आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। जो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मेंशन की गई है, और वो जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास सॉइल सैम्पलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने लेबोरेटरी वर्क एक्सपीरियंस में। कई सब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए एक ईमेल आपको दी गई है। जो लोग ऑनलाइन ईमेल के द्वारा सेंड करना चाहते हैं वो इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपना फॉर्म सेंड कर सकते हैं, वो है head csri@gmail.com। गाइज, आपको इस एड्रेस पे अपना ईमेल, अपने ईमेल आईडी से इस ईमेल पे अपना फॉर्म सबमिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। गाइज, आप जब यहाँ नीचे आते हो ना, यहाँ पे आप अटैचमेंट सेक्शन में दो अटैचमेंट्स देखते हो, इंग्लिश एडवर्टीजमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइज, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है जॉब प्रोसेस या फिर एग्जामिनेशन एप्लीकेशन या फिर सरकारी जॉब या फिर ऐसे किसी भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है ये, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने कैंडिडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट करती है सारी इन्फॉर्मेशन की एज लिमिट क्या होगी, एप्लीकेशन कैसा होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू होगी या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो अगर आपको ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे आ सकते हो। साथ ही आप यहां से इस अटैचमेंट सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे नोटिफिकेशंस के साथ बने रहना है तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही आपको अगर ये अटैचमेंट सेक्शन से डाउनलोड करना है तो आप दो फॉर्म में कर सकते हो, एक PDF का भी ऑप्शन दिया गया है। तो जब आप यहां से डाउनलोड करते हो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। गाइज, मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो आप यहां पे देखते हो जो वैकेंसी है वो सिर्फ एक निकली है, साथ ही जो एज लिमिट है वो 21 से 45 तक की है। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे मेंशन की गई है ये सेक्शन, और साथ ही जो इसके लिए जो आपकी एज, जो आपकी पे रोल है वो है 25,000 पर मंथ। और आपको मैं बता दूं, इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 7 फरवरी 2022 से लेकर जो इसकी लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी 2022। आप यहाँ पे देख सकते हो, साथ ही आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे भी ये एड्रेस दी गई है, ईमेल एड्रेस। और गाइज, अगर आपको कुछ भी, अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए वेबसाइट पे जा सकते हो, जो कि है www.csri.res.in। इस वेबसाइट पे आप जाकर डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो। गाइज, आपको मैं ये भी बता दूँ कि इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑफलाइन है, और साथ ही जो इंटरव्यू है इसमें इंटरव्यू का भी एक प्रक्रिया होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा होने वाला है, फादर्स नेम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। साथ में आपको अपने क्वालिफिकेशन विथ मार्क्स एंड ईयर ऑफ पासिंग परसेंटेज सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है, उसके लिए भी एक कॉलम दे दी गई है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे प्लेस, डेट, सिग्नेचर, ये सब कुछ यहाँ पे आपको करना है। तो गाइज, अगर आपको ये इस फॉर्म को सबमिट करने में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर आपको इस एप्लीकेशन को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder पे आके यहाँ से फोरम बटन पे क्लिक कर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, आप हमारी कम्युनिटी फोरम पे आते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक नीचे राइटर रिप्लाई का सेक्शन है। जब इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज लिखते हो या डाउट्स लिखते हो तो वो हम तक आता है और हम आपको आपकी रिप्लाइज वापस देंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, हम आपके सारे आपके क्वेरीज डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे। और गाइज, मैं आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो देखते वक्त कुछ इशू आती है ना तो आप डायरेक्टली हमारे इस लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी उस पर टैप करके हमारे फोरम तक आ सकते हो, हमारी कम्युनिटी फोरम पे, और यहाँ पे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो गाइज, मैं आपको एक बात बता दूँ
ये जो जॉब के लिए जो वैकेंसी निकली है वो एक निकली है, मैं वापस से आपको एक बार दोहरा देना चाहती हूँ। और ये जो प्रोसेस ऑफ है रिक्रूटमेंट है वो वॉक इन इंटरव्यू है, तो आप ना भूलें कि ये वॉक इन इंटरव्यू है। और साथ ही जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो टाइम से पहले फॉर्म सबमिट कर ले, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी 2022, जो कि काफ़ी पास आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है अब एक हफ्ते का ही सिर्फ टाइम है, तो आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर लें। साथ ही गाइस वीडियो को इस एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच गाइस।